टाइम ट्रैवल समय यात्रा जिसे आज के साइंटिस्ट मानते तो है लेकिन उन्हें टाइम ट्रैवल करना इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये यकीन होने वाला है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, लेकिन वैसा नहीं जैसा हम सोचते हैं। आज तक आपने बहुत सारे टाइम ट्रैवल्स की वीडियोस में देखा होगा कि उन सब में एक बात पे जोर दिया जाता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है और यह दावा काफी हद तक सच भी है। फिर सवाल ये आता है कि अब तक हमें टाइम ट्रैवल के पुख्ता सबूत क्यों नहीं मिले। आज हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं और वीडियो के एंड में आपको पता लगने वाला है कि ऐसे कौन से रीजन से जिनकी वजह से टाइम ट्रैवल का फॉर्मूला आज तक अंधेरे में है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टाइम ट्रैवल का फॉर्मूला जानने के लिए हमें सबसे पहले टाइम में पीछे जाना होगा, जब हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। एंशियंट टाइम में जब साइंटिस्ट के पास आजकल के कंप्यूटर और एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब उस समय के साइंटिस्ट अपने दिमाग में ही कुछ ऐसी बातें सोच लेते थे जिन्हें आज भी सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। माना जाता है कि एंशियंट टाइम में हमारे अर्थ पर एलियंस का आना जाना लगा रहता था। कई सभ्यताएं ये मानती है कि एलियंस उस समय पृथ्वी पर मौजूद थे, तो हम ये मान सकते हैं कि हमारी आज की टेक्नोलॉजी से भी अधिक उन्नत टेक्नोलॉजी उस समय एलियंस के पास थी और उन्होंने उस समय के लोगों को अपनी टेक्नोलॉजी का अनुभव भी कराया होगा। और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए एलियंस के पास टाइम ट्रैवल का फॉर्मूला होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इजिप्ट के पिरामिड इसी बात का एक बहुत बड़ा सबूत है। इजिप्ट की पिरामिड की रचना देखते हुए हर बार उसे एलियंस के साथ जोड़ा जाता है। एलियंस को इंसानों की मदद करते हुए बनाई गई ड्रॉइंग्स आपने बहुत बार देखी होंगी और हर वक्त उनके साथ एक यूएफओ जैसी चीज भी दिखाई जाती है। तो सवाल ये आता है कि एलियंस इंसानों की मदद क्यों कर रहे थे? क्या सच में वो एलियंस थे या फिर वो हम ही थे जो कि फ्यूचर से आए थे और साथ में दिखने वाला यूएफओ हमारा टाइम ट्रेवल मशीन? टाइम ट्रैवल की कई थ्योरीज बताई गई है। फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कहना था कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में बताया है कि टाइम एंड स्पेस एक साथ जुड़े हुए हैं। आइंस्टाइन ने यह भी कहा है कि हमारे ब्रह्मांड की एक स्पीड लिमिट है और कोई भी चीज प्रकाश की गति से तेज नहीं हो सकती। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि आप जितना तेजी से ट्रैवल करते हैं उतना ही आप धीमे समय का अनुभव करते हैं। सिंपल एग्जांपल के साथ बात करें तो अगर आप और आपका दोस्त जिनकी उम्र पृथ्वी पर सेम है, उनमें से अगर आप स्पेसशिप में बैठ के लगभग लाइट की स्पीड से मूव करने लगे तो आपका समय पृथ्वी के मुकाबले धीमा बीतेगा और अगर आप पृथ्वी पर फिर से लौट आए तो आपकी उम्र आपके दोस्त से कम होगी और इस प्रोसेस को टाइम डायलेशन कहा जाता है। और ये भी एक टाइप का टाइम ट्रेवल होगा क्योंकि जब आप लौटोगे तब आप फ्यूचर में होंगे। ये बात होगी फ्यूचर में जाने की, लेकिन क्या हम पास्ट में भी जा सकते हैं? तो इसके ऊपर भी आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी बताई है। आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक वर्म होल की मदद से हम पास्ट में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। अब वर्म होल क्या होता है हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। एक वर्म होल यूनिवर्स के दो दूर के बिंदुओं के बीच के सुरंग की तरह होती है जो टाइम ट्रेवल करते समय एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस कम कर देती है। वैसे अब तक वर्म होल के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन जब आइंस्टाइन ने 1916 में ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस पे अपनी थ्योरी एक्सप्लेन की थी तब भी लोगों ने उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए थे। और आज के समय में 2019 को हमने पहली बार ब्लैक होल की कलर इमेज भी देख ली है, तो इसीलिए हम आइंस्टाइन की वर्म होल की थ्योरी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। इतने सारे टाइम ट्रेवल्स के फैक्ट्स देखने के बाद ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, लेकिन टाइम ट्रेवल इतना भी आसान नहीं होगा, ये आपके दिमाग को निचोड़ के रख देगा। फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस टाइम ट्रेवल के विषय में बहुत आगे बढ़ चुके थे। स्टीफन ने टाइम ट्रेवल एग्जामिन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। स्टीफन एक रूम में बैठे थे और वेट कर रहे थे कि कोई उन्हें फ्यूचर से आके मिले। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक बेसिस पे नहीं था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से स्टीफन का ये मानना था कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, लेकिन वैसे नहीं जैसे हम सोचते हैं। स्टीफन मानते थे कि पास्ट में टाइम ट्रेवल करना आसान नहीं होगा। स्टीफन के एक्सपेरिमेंट में कोई भी उनसे फ्यूचर से मिलने नहीं आया, लेकिन ये हमारे यूनिवर्स में हुआ। लेकिन अगर हम मल्टीवर्स के कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये मान ले किसी दूसरे यूनिवर्स में जहाँ हमारी अर्थ होगी, जहाँ स्टीफन भी होंगे, और क्या होगा अगर सच में स्टीफन से फ्यूचर से कोई मिलने आया होगा, तो अब शायद आपको टाइम ट्रेवल का दूसरा पहलू भी समझ आ रहा होगा। टाइम ट्रेवल विदाउट प्रॉपर डायरेक्शन करना मुश्किल होगा। टाइम ट्रेवल करते समय आपकी छोटी सी गलती भी आपको अलग अलग टाइम जोन में ले जा सकती है। शायद यही कारण होगा कि आज तक हमें टाइम ट्रेवल के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। टाइम को मल्टीवर्स के साथ जोड़ना समय यात्रा का प्रारंभ हो सकता है, लेकिन मल्टीवर्स अब तक हमारे इमेजिनेशन में ही बसा हुआ है। जिस दिन हमें मल्टीवर्स के अस्तित्व की कुछ जानकारी प्राप्त होगी, तब शायद हम टाइम ट्रैवल के दूसरे पहलू को भी समझ सकेंगे। नॉर्मली हम टाइम ट्रैवल को दो समय के साथ समझ सकते हैं, मतलब आपने जिस समय टाइम ट्रैवल स्टार्ट किया वो समय और जहां आप टाइम ट्रैवल करके जाओ
वो समय, ये दो ही समय कंटिन्यू और अस्तित्व में होने चाहिए, और बीच का जो भी समय होगा जहां आप टाइम ट्रेवल करोगे उस समय का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप समय के निरंतरता को तोड़ पाए और वापस से उसी समय की धारा को पकड़ पाए तो शायद आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो। अगर समय को धीमा करने की बात हो तो हमारे सामने आता है ब्लैक होल, क्योंकि ब्लैक होल के पास समय धीमे गति से चलता है और स्टडीज ये बताती है कि ब्लैक होल के अंदर समय रुक जाता है। इसलिए कई साइंटिस्ट के दिमाग में ये सवाल हमेशा घूमता है, क्या हम ब्लैक होल को एज अ टाइम मशीन यूज कर सकते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या सच में हम ब्लैक होल को एज अ टाइम मशीन यूज कर सकते हैं। टाइम ट्रेवल के हमें कई सारे रास्ते मिल सकते हैं, हमें बस टाइम ट्रेवल पे उठने वाले हर एक सवाल का जवाब ढूंढते रहना है। इसलिए टाइम ट्रेवल की जर्नी अभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स की कंसेप्ट आना अभी बाकी है। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर कर देना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।